हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदना और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों से ना ही शेयर करने वाली हूँ कोई कुकिंग रेसिपी, मेकअप ट्यूटोरियल या रिव्यू। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ थैंक यू सो मच, बहुत सारा थैंक यू एंड प्यार मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे हो गया है 25 सब्सक्राइबर्स पूरे। यूपी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे 25 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और ये है थैंक्स गिविंग वीडियो। अब वो लोग बोलोगे कि यार 25 सब्सक्राइबर्स में ऐसा क्या है, पर मैं फ्रेंड्स बोलना चाहती हूँ कि मेरी एग्जिस्टेंस यूट्यूब पर इन 25 सब्सक्राइबर्स की वजह से ही है। बूंद बूंद से ही सागर बनती है और इन लोगों के बिना, इनको मैं अगर कंसिडर ना करूँ तो मैं तो जीरो हूँ एकदम भी। तो यूट्यूब पे आपको बनाए रखता है आपके सब्सक्राइबर्स एंड आपके व्यूअर्स, एंड थैंक यू सो मच जितने भी मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार एंड शुक्रिया। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है एंड कैसे स्टार्ट हुई। ओके, मैं बाद में मेरी बकबक टॉयलेट करने के लिए थैंक यू। तो कैसे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट मैं जब यूट्यूब देखती थी, मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी यूट्यूब पर, और लड़कियों को तो ज़्यादा सजने संवरने की चीज़ें, कुकिंग की ट्यूटोरियल या मेकअप ट्यूटोरियल्स पसंद आते थे, मुझे भी आता था, तो मैं वही सब ज़्यादा देखती थी। देन मैंने सोचा कि वो देखते वक्त मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग नहीं खरीद पाते हैं। आई मीन एवरी मेकअप वीडियो में हम थोड़ी नए नए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हम लोग तो ऐसे कैटेगरी में से पड़ते हैं। मतलब मैं तो कोई भी एक प्रोडक्ट में अगर थोड़ा एक्सपेंसिव खरीद लेती हूँ तो हम तो उसको इससे डाल डाल के, मतलब लास्ट ड्रॉप तक हम उनको यूज़ करके फिर उसको थ्रू आउट करते हैं। आई थिंक हम मुझसे रिलेट कर पाओगे ऐसी चीज़ों में। तो हम अगर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो क्या हम वैसे नहीं दिख पाएंगे या मेकअप नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे सोचती थी। फिर मुझे लगा कि यार मेरे पास जो मेकअप है, मेरे पास जो आई शेडो, जो कंसीलर है, या मेरे घर में जो खाना पक रही है, वो ही मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूँ। हो सकता है मेरे घर में जो बन रहा है वो आपके घर में ना बने हो, तो वो आप देख के पता चल सकता है। हो सकता है कि मुझे, जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर भी कोई आइडिया नहीं है, ना ही कुकिंग पर, ना ही मेकअप पर, एकदम यूजलेस यू नो, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। फिर मैं सोची फिर मैं कैसे बनाऊँ वीडियो नेक्स्ट, और ज़्यादा जो जो प्रॉब्लम्स आई है वो मैं पहले आपको बताती हूँ। फिर ना ही मेरे पास कैमरा है, मैं कैमरा फ़ोन से शूट करती हूँ। देन मेरे एरिया में बिल्कुल भी ये सब अलाउड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा कंजेस्टेड एरिया है, आजू बाजू में ही लोग रहते हैं, आप ऐसे यहाँ बात करोगे तो बाहर सुनाई नहीं गए, एंड इसीलिए मुझे ज़्यादातर वीडियो नाइट में बनाना पड़ता है, और रात को थोड़ा बहुत शांत होता है तभी बनाना पड़ता है, लेकिन रात को पूरी दिन के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, लेकिन वो थकावट आपको वीडियो में दिखाना नहीं है, नहीं तो वो कॉन्टेंट और इम्पैक्ट पड़ता है आपकी वीडियो पर। देन होता है कि सपोर्ट, घर में मम्मी पापा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे घर में खुद का काम खुद से ही करना पड़ता है, और मैं काम धाम छोड़ के अगर वीडियो के सामने, ऐसे कैमरे के सामने बैठ के बकबक करती रहूँ तो वो उन लोगों को पसंद है नहीं। देन उसके बाद सबसे बड़ी फियर जो थी वो है कैमरे के सामने बात करना। यार मतलब आप बात करोगे और ये पूरा इंडिया का लोग आपके देखेगा आपको, तो वो ज़्यादा जो फियरनेस है वो अभी भी है मेरे पास। जैसे कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उसमें कोई रीटेक नहीं होता है, ये एक वन टेक शॉट होता है, कोई एडिटिंग ज़्यादा में नहीं होती है, करती हूँ, मुझे पता है नहीं तो मैं करूँगी कैसे, राइट? तो फिर देन होता है कि एक तो शोर शराबा आपको साउंड भी सुनाई देगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते कि आप फ़ोन पर ये सब करो। फिर मुझे लगा कि एंड देन और एक प्रॉब्लम थी कि साउंड, लाइट की भी प्रॉब्लम, एक ही लाइट के सामने बताना, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आई थॉट कि यार ये सब हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स ही आते रहेंगे, तो वी शुड टेक मेक अ सोल्यूशन। और हाँ, ये मेरी लैंग्वेज, क्योंकि मैं टिपिकल बंगाली हूँ, मेरी एजुकेशन पढ़ाई सब कुछ बंगाली में हुई है, और इंग्लिश मुझे फ्लुएंसी उतना है नहीं, तो इंग्लिश में भी वीडियो बनाती नहीं हूँ, एंड बंगाली में अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो ज़्यादातर लोगों को समझ में आएगा नहीं, हिंदी भी उतनी अच्छी तरह से नहीं आती, इसलिए मेरी बातों पे बहुत ज़्यादा बंगाली टोन आ जाता है, मेरी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा बहुत सारा गलत हो जाता है। फिर मैं सोचा यार क्या है यार, तुम लोग, आप लोगों के साथ कुछ बताने के लिए बस समझ में तो थोड़ा बहुत आ जाता है ना, तो बस इसी से काम चल जाएगा। तो यही सब सोच के, तब मेरे कोई भी सपोर्टर्स नहीं थे जब मैं यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट की, फिर मैं सोच के ये सारी चीज़ें हैं सेकेंडरी, प्राइमरी चीज़ पर फोकस करते हैं, चलो कुछ अच्छा करते हैं। तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, एक एक दो तीन वीडियो में डालना स्टार्ट की, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ में बताई,
कि मैंने ऐसे वीडियो डाले हैं। आई टेल यू फ्रेंड्स, आई एम ब्लेस्ड विद वेरी गुड फ्रेंड्स। मेरी दोस्तों ने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मुझे मिले हैं, फैमिली मेम्बर्स भी बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, पर मेरे फ्रेंड्स बहुत ही सपोर्ट किए कि नहीं तुम करो, ये अच्छा है, हम लोग नहीं कर पाए, हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है इससे। देन आई स्टार्टेड माई वीडियोज़, पहले वीडियोज़ में जैसे कि 10-12-11 सब्सक्राइबर्स आते हैं, अब मतलब व्यूज़ आते थे, अभी भी आते हैं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं है। फिर 100 व्यूज़ भी आए, 100, 100, 200 व्यूज़ भी किसी वीडियोज़ पे आए। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक दो लोग भी अगर आपको आपकी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ तो उसमें है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बनाते रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा, सब्सक्राइबर्स होंगे होंगे, नहीं होंगे नहीं होंगे, व्यूअर्स होंगे होंगे, नहीं होंगे नहीं होंगे, पर आप ये काम करते रहो। इससे क्या होगा, मेरी जो है किसी भी टॉपिक पर थोड़ा बहुत काम करने की या उस चीज़ पे थोड़ी नॉलेज भी इंक्रीज होंगी, कैमरे के सामने बात करने की भी डर से मैं अपनी ओवरकम कर पाऊंगी। तो ऐसे ऐसे में खुद का भी बहुत ज़्यादा भला होगा और लोगों का भी भला होगा। तो ये सोच के मैं वीडियोस स्टार्ट की और आज मेरे 25 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। पहले 2 सब्सक्राइबर्स जब थे तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, यार कोई नहीं लाइक कर रहा है, कोई नहीं सब्सक्राइब कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पसंद आ रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई बिलीव कि आज मेरी 25 सब्सक्राइबर्स है और एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी 25,000 सब्सक्राइबर्स होंगे और मैं आप लोगों के साथ एक 25,000 सब्सक्राइबर्स की थैंक्स गिविंग वीडियो शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू मुझे टॉलरेट करने के लिए, मेरी बकबक सुनने के लिए, मेरी वीडियोस देखने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं मेरी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरी और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़े। एंड बहुत ज़्यादा प्यार मेरी तरफ से, थैंक यू, लव यू ऑल, खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो के मिलने तक बाय बाय, टेक केयर।